वॉल्यूम बंद कर लीजिए बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको। चलिए, कल की क्लास का मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसपोसोन्स में आपने पढ़ा था, दे आर द जीन सेगमेंट दैट कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर विद इन ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में ही एक पार्ट में दूसरे पार्ट में जा सकता है, क्रोमोसोम से प्लाज्मिड में जा सकता है, और प्लाज्मिड से आपका क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो सकता है। दैट मीन्स कि सिंग एक ही सेल के अंदर इट कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें थ्री टाइप्स के प्लाज्मिड, सॉरी ट्रांसपोसोम्स मैंने बताए थे आपको। जो सबसे सिंपल था दैट कंटेन ओनली इंसर्शन सीक्वेंस और एंड वन एंजाइम दैट इज ट्रांसपोजेस। सेकेंड जो है कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोसोम्स था, इट कंटेन ट्रांसपोजेस एज वेल एज सर्टेन जीन। फॉर एग्जाम्पल इट कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। थर्ड था आपका दैट इज कंपोजिट। कंपोजिट दैट मीन्स कि इट कैरी लार्ज सेगमेंट ऑफ द जीन पोर्शन। अगर ऐसा होगा दो इंसर्शन सीक्वेंसेस के बीच में, कोई दोनों इंसर्शन सीक्वेंस पास में प्रेजेंट है, तो बीच का वो जीन सेगमेंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ जैसे फॉर एग्जाम्पल साइट का मूव करें अलग अलग, या फिर पूरा मूव करता है, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट ट्रांसफर। तो इसमें बहुत सारे जीन आपके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर इज हाउ दिस ट्रांसपोजिशन प्रोसेस अकर। किस तरह से ये होता है, उसके लिए आपके बेसिकली दो टाइप है। एक है डायरेक्ट और सिंपल। डायरेक्ट में आपका कट एंड पेस्ट, दूसरा टर्म, दूसरा अगर टर्म यूज करेंगे कट एंड पेस्ट में, दैट मीन्स कि डोनर सेल्स से रिसिपिएंट सेल्स में एज सच ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी रेप्लिकेशन। दैट मीन्स कि अगर डोनर अपना डीएनए उसमें से निकल रहा है, तो उसके पास कोई कॉपी या कोई सेट डी उसका नहीं रहेगा, और जो रिसिपिएंट जिसमें गया उसमें जाकर वो इंटीग्रेट कर जाएगा। कॉपी पे कट पेस्ट, कॉपी तो रहेगा, कॉपी मतलब कि एक कॉपी आपके पास है दूसरी है। ठीक है, कट एंड पेस्ट, कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी नहीं। ठीक है, तो उस वजह से दूसरा है आपका रेप्लिकेटेड ट्रांसपोजिशन, दैट इज कॉपी एंड पेस्ट। इसमें क्या होगा, एक कॉपी आपका डोनर के पास भी रहेगा और दूसरा वाला आपके रिसिपिएंट सेल के पास जाएगा। दैट मींस कि डोनर सेल भी अपना जो है डीएनए या ट्रांसपोसोन जो है लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन है, इसको बड़ा कर लेती हूँ। एग्जाम्पल जो दिया है दैट इज द TN5। TN5 दैट इज द कंपोजिट ट्रांसपोसोम, 5.8 KB का आपका है, एंड उसमें 476 रेजिड्यूज प्रेजेंट है। इसमें ट्रांसपोजेस तो प्रेजेंट हो गई, ट्रांसपोजिशन हो रहा है। इसके साथ साथ आपका बहुत थ्री एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं, और इट इज फ्लैंक बाय द इन्वर्टेड IS लाइक मॉड्यूल जो आपका जिसमें है 19 बेस पेयर। 19 ये देखिए, जो डायरेक्ट इन्वर्टेड रिपीट्स अलग चीज है, डायरेक्ट रिपीट्स अलग है, इसको दिमाग में रखिएगा। इन्वर्टेड रिपीट्स जो है वो ट्रांसपोसोम्स का पार्ट है, और जो डायरेक्ट रिपीट्स हैं वो क्या है, वो टारगेट डीएनए का सीक्वेंस है, और वो डिस्कॉन डिसाइड करेगा कितना कितने डायरेक्ट रिपीट्स होंगे। वो डिसाइड करेगा कि जो स्टैगर्ड कट लग रहा है, स्टैगर्ड कट समझ में आता है नहीं आता आपको? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से और दूसरा वाला यहाँ से, जिसे आप कोहेसिव एंड भी कहते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल ये 3 का है, तो जितने भी डिफरेंस में ये कट लगेगा उतने डायरेक्ट रिपीट प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नहीं, फॉर एग्जाम्पल 5 है, 1 2 3 4 5। अब ये वाला इस तरह से आपका 1 2 3 4 5, ये आपका इधर इस तरह से निकल गया, हो गया। इसमें ये देखिए, ये वाला आपका डबल कट लगा, और इसमें 1 2 3 4 5। अब ये 5 ही फ्री है, और इस साइड में क्या होगा, इस वाले में इधर आपका इस तरह से होगा 1 2 3 4 5। अब ये आपका बीच में जो फ्लैंक करेगा,
तो ये रिपीट इधर भी होगा और इस वाले में भी रिपीट इधर होगा। तो जितने बेस पेयर का में आपका स्टैगर्ड कट लगता है उतने ही डायरेक्ट रिपीट प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंसर्शन सीक्वेंस 3 है, उसमें आपके 9 बेस पेयर रिपीट होता है। इसमें आपका TN3 में जो है आपका अराउंड 5 बेस पेयर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो TN5 है इसमें कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होती है। सिंपल ये डायग्राम आप देखिए, इसमें डोनर डीएनए है, TN5 है जिसमें जो ट्रांसफर होना है, इसमें से डीएनए ट्रांसपोजेस एंजाइम बाइंड द एंड ऑफ द ट्रांसपोसोम्स, जो दोनों एंड पे जाकर वो बाइंड कर जाएगा। पहले लेफ्ट साइड का देखिए, फिर रेस्ट राइट वाला बाद में एक्सप्लेन करेंगे। देन उनके बीच में डायमेराइजेशन होगा दोनों ट्रांसपोजेस के बीच में, फिर आपका क्या होगा, कट लगेगा और वो आपका टारगेट से पूरा पूरा ट्रांसपोसोम रिमूव हो गया। नाउ इट बाइंड टू द रेसिपिएंट डीएनए, वहां पर जाकर बाइंड कर जाएगा और पूरा पूरा इंटीग्रेट हो गया। जो राइट साइड में रेड रेड कलर से शो किया जा रहा है, उसमें क्या, उसमें जो थोड़ा सा केमिस्ट्री बता दिए क्या हो रहा है, उसमें आपका सबसे पहले जो ट्रांसपोजेस एंजाइम है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा। वाटर मॉलिक्यूल का ओएच जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा डोनर के ट्रांसपोसोम्स में, ठीक है। तो जिसमें आपका वहां पे पहले सिंगल स्ट्रैंड में कट लगेगा, सिंगल स्ट्रैंड में कट लगेगा, ये का ओ है वो दूसरे स्टैंड, देखिए ट्रांसपोजेस एक कट किया था, एक स्ट्रैंड का ओएच है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा स्ट्रैंड जो, हाँ जो पहला 3 वाला दिख रहा है उससे जो दूसरा फिर 5 वाले पे अटैक करेगा और हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा और ये डोनर से रिमूव हो जाएगा, दोनों साइड में इसी तरह की प्रोसेस होगा। देन जो हेयर पिन फॉर्म हुआ है उसमें भी क्या होगा, ओएच मॉलिक्यूल उसको कट कर देगा, ब्लंट एंड क्रिएट हो जाएगा। अब ये ब्लंट एंड में एक ओएच मॉलिक्यूल है, नाउ इट अटैक ऑन द टारगेट डीएनए, ठीक है। तो सिंपल इसमें कट एंड पेस्ट में ऐसे ही है कि आपका पूरा पोर्शन डोनर का निकलकर रेसिपिएंट में जाकर इंटीग्रेट हो गया। इन केस ऑफ रेप्लिकेटेड ट्रांसपोसोम्स इसमें आपके दो मेथड हो सकते हैं। एक है आपका, जैसे इसमें देखिए रेप्लिकेटेड ट्रांसपोजिशन में आपका एक सेल में अगर दो प्लाज्मिड कैरियर हो रहे हैं, एक में ट्रांसपोसोम है, एक में दूसरे में आपका ट्रांसपोसोम है, ठीक है। लेकिन कई जनरेशन तक अगर आप उससे ग्रो कराते हैं तो दोनों में एक एक कॉपी हो जाती है। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है, मैंने आपका एक दिखाया है कि फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड ए इंटीग्रेट विद द प्लाज्मिड बी। अब इसमें जब इंटीग्रेशन होगा तो देखिए डायरेक्शन, देखिए इसी डायरेक्शन में होगा और किस तरह होता है मैं अभी बताऊंगी। सब तो मतलब इसमें रेप्लिकेटेड ट्रांसपोसोम से होता है, इसमें डबल कॉपी बन जाती है एक ट्रांसपोसोम की और फिर बाद में दोनों प्लाज्मिड सेपरेट हो जाएंगे और दोनों एक एक कॉपी ट्रांसपोसोम की उनके पास प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में शो किया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका मेथड किस तरह से होता है, तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया डोनर प्लाज्मिड है और उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो रिसिपिएंट प्लाज्मिड है बाद के उसमें क्या होगा, स्टैगर्ड कट लगेगा। स्टैगर्ड कट मतलब वही मैंने अभी आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल 3 जितने रिपीट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली कट लगेगा। डोनर में भी क्या हो रहा है, कट लग रहा है, लेकिन आप इसमें देखिए कि दोनों में कट नहीं लग रहा है। इसका एक डायग्राम और है, मैं भी इसमें देखिए एक 3OH एंड फ्री हो रहा है जो ब्लू कलर से शो कर रहे हैं फर्स्ट वाले डोनर प्लाज्मिड के डीएनए को, इसमें आपका 3' एंड जो है आपका फ्री हो रहा है और जो टारगेट डीएनए है उसका जो 5' एंड है वो दोनों आपस में लाइगेट कर जाएंगे। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? डायग्राम और थोड़ा वैसे कर दूं, ठीक है। तो ये आपका देखिए 3OH एंड जो है आपका डोनर का और ये सॉरी जो रिसिपिएंट है उसका आपका
दोनों का जो उसका डोनर रिसिपिएंट का 5' डोनर के 3' एंड से जाकर लाइगेट कट जाएगा, और फिर जो जो रिसिपिएंट का 3' एंड है वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा तो पूरा पूरा दोनों एंड में जाकर पूरा रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो एक कॉपी डबल कॉपी में क्रिएट हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए नेक्स्ट में आपके दो सेट हो गए, अब दोनों सेट हो गए तो ये प्लाज्मिड पूरा को इंटीग्रेट कर गया, आपका दो सेट हो गए और डबल ट्रांसपोसोम हो गया, और दोनों में एक एक ट्रांसपोसोम सेट है और एक बड़ा सा प्लाज्मिड बन गया। नाउ द आपको ध्यान होगा रिजोल्वेज रेस्ट साइट मैंने शो की बताई थी कल वाले उसमें ट्रांसपोसोम में, तो जहां पर दोनों के बीच में रेस्ट साइट प्रेजेंट है उनके बीच में होमोलॉजी होगी, देन फिर क्या होगा रिकॉम्बिनेशन होगा, रिजोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होगा दोनों में एक एक सेट आपका प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड के साथ साथ दोनों का एक ट्रांसपोसोम का सेट चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। इनिशियली आप ये देखिए डोनर में जो डार्क ब्लू कलर से शो किया गया है प्लाज्मिड सॉरी ट्रांसपोसोम्स को, और आपके रिसिपिएंट जो नया न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो लाइट ब्लू से शो किया गया है, और फिर क्या हो रहा है तो इनिशियली तो जब आपका रेप्लिकेशन हुआ तो एक पूरा पूरा आपका डार्क ब्लू है एक लाइट ब्लू है, जैसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में होता है रेप्लिकेशन में, लेकिन जब आपका रेजोल्यूशन होगा रेजोल्यूशन में दोनों साइट आपस में क्रॉस करेंगी तो हाफ आपका देखिए पोर्शन जो डोनर के पास है वो न्यूली सिंथेसाइज होगा और हाफ आपका पेरेंटल वाला ट्रांसपोसोम होगा। इसी तरह रेसिपिएंट सेल में भी दोनों सेट होंगे, और रेसिपिएंट सेल में एक आपका एक्स्ट्रा जो ऑरेंज कलर से शो किया गया है दैट इज द टारगेट सीक्वेंस, जो आपके टारगेट सीक्वेंस क्या था जहां पे स्टैगर्ड कट लगा था डीएनए में रेसिपिएंट सेल में वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है, दोनों के पास एक एक कॉपी कट पेस्ट नहीं है दैट इसमें कॉपी एंड पेस्ट, एक रेप्लिकेशन होगा पहले दोनों के बीच में, पहले इतना दिमाग में क्लियर रखिएगा डोनर का 3OH एंड डोनर के दोनों एंड में कट नहीं लग रहा है, एक दोनों के दो स्ट्रैंड के एक एक पोर्शन में कट लग रहा है और दोनों में 3OH एंड क्रिएट हो रहा है एंड दैट 3OH एंड लाइगेट विद द 5' फॉस्फेट, जो आपका रेसिपिएंट का फॉस्फेट है उसके संग डोनर का 3' एंड लाइगेट कर रहा है, तो एक एंड से जो है आपका अटैचमेंट हो गया उस तरह से एक एंड, फिर क्या हो रहा है जो 5' एंड तो लाइगेट कर गया तो 3OH एंड 3 था वो आपका प्राइमर की तरह काम करेगा और उसमें आकर न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे और उसमें जो टेम्पलेट का काम कौन करेगा, उसमें टेम्पलेट का काम ट्रांसपोसोम करेगी एंड एक दोनों एक स्टैंड कंप्लीट दोनों अटैच हो गए, अब 3OH एंड जो रेसिपिएंट में था उसमें से न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, अब टेम्पलेट तो बढ़ गया ना उसे जो उसका दूसरा अपोजिट एंड था 5' एंड जो था वो ट्रांसपोसोम के 3OH एंड से लाइगेट हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल पहले अगर इसको रेप्लिकेशन इतना ही करना होता था लेकिन अब ट्रांसपोसोम भी अटैच हो गया तो जो 3OH एंड है उसमें अपने डीएनए के साथ साथ ट्रांसपोसोम्स के सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी रेप्लिकेट करेंगे और वो आपका जब डबल कॉपी हो जाएगी तब उन दोनों के बीच में क्या होगा रिजॉल्वेज साइट दोनों में कॉमन होगी, दोनों डीएनए भी सेम है ट्रांसपोसोम के तो होमोलॉजी भी होगी और रिजॉल्वेज साइट में वहां साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होगा और आपके दोनों एक एक फिर दोनों सेपरेट हो जाएंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर दोनों प्लाज्मिड सेपरेट हो जाएंगे तो दोनों में एक एक कॉपी ट्रांसपोसोम की प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आप तो ट्रांसपोसोम्स का क्या क्या इफेक्ट आपका इवोल्यूशन है मैंने बताया इवोल्यूशन पड़ता है ये फर्क, इसमें भी क्या फर्क पड़ता है आपका, इसमें आपका अगर इन्वर्टेड है इन्वर्टेड होगा ट्रांसपोसोम तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप ये इसको फोल्ड कर दीजिए जो डायरेक्शन शो हो रहा है रेड कलर और ऑरेंज कलर से शो कर रहा है तो अगर इन्वर्टेड रिपीट्स जो आपके साइड में प्रेजेंट हैं उसको फोर दोनों में अगर होमोलॉजी तो एक ही डायरेक्शन में तो हो पाएगी। ठीक है,
उसमें होगी तो क्या होगा, आप उनके बीच में पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग होने के बाद रिकॉम्बिनेशन होगा, तो रिकॉम्बिनेशन होने से देखिए जो बीच का सेगमेंट था नाउ इट इज रिवर्टेड, इन्वर्टेड रीजन जिसको हम लिखा है नीचे, आप देखिए पहले अगर राइट साइड में जा रहा था अब वो लेफ्ट साइड में, अब इनके बीच में आपका कॉम्बिनेशन जो डायरेक्शन आपका इसका माइक ऑन है भाई क्लास कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा नेक्स्ट आपका दूसरा है तो ये आपका पोर्शन रिवर्ट हो जाएगा पूरा इन्वर्जन हो जाएगा अगर ओरिएंटेशन में है जो आपको मैंने बोलते ट्रांसपोज़ में बताया था सेम में होंगे तो एक ही डायरेक्शन में सेम वाला तो इस तरह होल्ड करके आसानी से नहीं हो जाएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक लपेटना पड़ेगा ना उसको थोड़ा सा अगर एक ही डायरेक्शन में करना है अगर उनके बीच में होल अगर रिकॉम्बिनेशन करना है तो एक फोल्ड क्रिएट करना पड़ेगा तो उस फोल्ड क्रिएट करने पे क्या होगा उनके बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होता है कि क्रोमोसोम एक एक सेट तो इसके पास आ जाएगा एक एक जो आपका इन्वर्टेड रिपीट्स का एक पोर्शन तो आ गया लेकिन इसके साथ दूसरा प्रोसेस क्या होगा जो बीच का पूरा सेगमेंट था और साथ में एक आपके इन्वर्टेड रिपीट वो रिपीट आपके रिमूव हो जाएंगे और अगर उसमें रेप्लिकेशन का ओरिजिन नहीं होगा तो वो कुछ टाइम के बाद आपका क्या होगा डिग्रेड कर जाएगा रेप्लिकेट नहीं करेगा डिग्रेड नहीं भी करेगा तो क्या होगा डॉटर आपका जब रेप्लिकेशन होगा सेल का तो दो सेट नहीं क्रिएट होंगे एक ही में रह जाएगा दूसरे में वो नहीं जा पाएगा तो अगर लेकिन अगर साथ में उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तब इट कैन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा जिसमें डीएनए का पोर्शन रिमूव हो गया दैट इज द डिलीशन ठीक है तो इन्वर्जन भी होता है और डिलीशन भी होता है अब इसका नेचर में क्या रोल है इसमें आपका देखिए साल्मोनेला टिफिमोरियम का एग्जांपल मैंने आपको बताया था इसमें दो फ्लैजुला है एक आपका कोट हो रहा है H1 से एक हो रहा है H2 से और H1 और H2 आसपास में प्रेजेंट है दोनों का लोकेशन टोटली डिफरेंट है अब इसमें H2 से जस्ट पहले एक ट्रांसपोसोम प्रेजेंट है जिसमें हिक्स एल और हिक्स आर जो लिखा हुआ है दैट इज द इन्वर्टेड रिपीट्स और जो एच टू आर एच वन प्रमोटर लिखा है दैट इज द प्रमोटर फॉर द एच टू ठीक है क्लियर दैट मीन्स कि जो प्रमोटर है एच टू इज द फ्लैजेला प्रोटीन और आर एच वन इज द रिप्रेसर प्रोटीन जो रिप्रेसर प्रोटीन का क्या काम है इट बाइंड टू द प्रमोट ऑपरेटर साइट ऑफ द एच वन वो H1 के ऑपरेटर साइड में बाइंड कर देगी और उससे क्या होगा H1 का एक्सप्रेशन नहीं होगा आप लोग इतना तो पढ़ चुके हो ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ठीक है तो नॉर्मली क्या होता है अगर जो साथ में आपको ये हिन जीन जो है दैट इज द ट्रांसपोजेस कह सकते हैं आप हिन जीन जो है वो आपका हिन प्रोटीन बना रही है अब क्या हो रहा है अगर इस ये प्रोमोटर जो आपका येलो कलर से शो किया जा रहा है एच टू और आर एच वन प्रोमोटर ये अगर राइट HXR के साथ प्रेजेंट है तो क्या होगा इसमें ये H2 को भी कोट करेगा जो H2 फ्लैजलिन बनाएगा और RH1 रिप्रेसर है उसको भी बनाएगा जो आपका H1 पे जाके बाइंड करेगा तो इस कंडीशन में सिर्फ आपका H2 फ्लैजला बनेगा ठीक है अब क्या हुआ हिन प्रोटीन बनी उससे क्या हुआ इन्वर्जन हो गया तो अब आप ये देखिए येलो कलर का जो प्रमोटर था अब वो कहाँ चला गया वो आपका हिक्स एल के पास पहुंच गया तो अब H2 और RH1 के पास कोई प्रमोटर नहीं है जब उसके पास प्रमोटर नहीं है नाउ दिस जीन कैन नॉट एक्सप्रेस्ड वो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा एक्सप्रेशन नहीं होगा तो H2 फ्लैजला भी नहीं बनेगा और RH1 रिप्रेसर भी नहीं बनेगा जब रिप्रेसर नहीं बनेगा तो जो पहले से रिप्रेसर जब तक प्रेजेंट है
वो जाकर क्या होता है, वो कुछ टाइम के डिग्रेड कर जाएगी, कोई प्रोटीन भी है कुछ टाइम तक ही सेल में रहती है, देन इट इज डिग्रेडेड, तब क्या होगा, वो आपका H1 का जो आपका जीन एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके आपके जो रेगुलेटरी साइट है उसमें कोई भी रिप्रेसर नहीं बाइंड कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब जो बैक्टीरिया है वो कौन सा फ्लैजला एक्सप्रेस करेगा, H1। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर पलक, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस आपका मतलब इसमें इस तरह से इन्वर्जन होता रहता है, क्योंकि इसमें हिंड प्रोटीन बनती रहती है जो आपका उसको शिफ्ट कर देती है। तो ये प्रोसेस आपका, इसकी वजह से साल्मोनेला टिफिमोरियम जो है दो दो आपके फ्लैजला बना पाता है, और एक बार में एक ही बना पाएगा। जब H2 बनेगा तो वो H1 को बनने नहीं देगा, और जब H2 बनना बंद हो जाएगा तब सिर्फ H1 बन पाएगा, ठीक है। चलिए आज तो इतना ही रह गया था।